आज आखिरी दिन है हमारी SST की प्रिपरेशन का। तो भाई आज है बहुत ही गंभीर दिन, जिसके बाद कल है हमारा SST का पेपर, और अभी भी हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है। जी हाँ, अभी भी आपका बहुत कुछ बचा है। चाहे आपने सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट क्यों ना कर लिए हो, पूरी NCERT पढ़ ली ना हो, तब भी बचा है। तो देखो क्या बचा है, समझो बात को, आओ मेरे संग। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ ना कि मतलब तुम्हारा पेपर जब ही जाके कंप्लीट हो पाएगा, तुम्हारी तैयारी जब ही कंप्लीट होगी, ठीक है? तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखो। देखो पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो तुम्हारी NCERT में फंक्शंस दिए थे, डेफिनेशंस थी, मीनिंग थे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पेपर में ना के बराबर मिलने वाले हैं, ठीक है। पेपर अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आने वाला है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब कोई तुमसे थर्ड क्लास के बच्चे की तरह ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, व्हाट इज़ ये बताओ, ठीक है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे तो ये समझ लो बिल्कुल ना, मतलब चांस है ही नहीं आने के। अगर आ गए तो समझ लो अपनी किस्मत अच्छी है फिर, ठीक है। तो देखो अभी तक तुमने तैयारी करी थी सिर्फ रट्टे की, फंक्शन याद करे सर हमने, डेफिनेशन भी रट्टा मार ली, मीनिंग भी याद कर लिया, व्हाट इज़ दिस दैट वाले सारे क्वेश्चन हमने सर लगा दिए हैं, पूरी NCERT छाट डाली है। देखो अभी भी अब तुम्हारा बचा, तुम्हारा क्या बचा, क्योंकि तुमने अभी असली तैयारी तो शायद करी ही नहीं होगी। और अभी भी मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, कुछ क्या, शायद सारे ही बच्चों का अभी पहले NCERT भी कंप्लीट नहीं हुई होगी, मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है, कॉमन है यार, नहीं है हमारे पास टाइम ज़्यादा। अब देखो तुम्हें करना क्या है, जिन बच्चों का काम हो गया है या नहीं हुआ है, जो कर रहे हैं उनको लिए तुम्हें जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। एक्सप्लेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पेपर में, इम्पैक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, व्हाई दिस इज़ कंसीडर्ड एज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो तुम्हारी NCERT की नोटबुक में लिखा हुआ है जिसका कोई वहाँ पर रीज़न नहीं दिया है, उससे 110% क्वेश्चंस आने के चांस है। जैसा कि हमने सैम्पल पेपर में देखा था, वहाँ पर पूछा गया व्हाई द, मतलब बेसिकली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ कंसीडर्ड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, तो इसका कहीं तुम्हें NCERT में कोई रीज़न दिया है? पूरी किताब पढ़ ली सर हमने, नहीं मिला हमें कहीं, यानी कि NCERT हमसे, मतलब बोर्ड हमसे कुछ भी पूछ सकता है जिसका रीज़न भी NCERT में नहीं दिया हो। तो हमें इन वाले क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। अभी तक हमने पढ़ा वो सिर्फ किताबी था, अब हमें दिमाग से पढ़ना है, अब हमें एक स्टेटमेंट को देखना, अगर हिस्ट्री में किसी ने कोई बात कही है तो उसका क्या सेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ पर, उसका मूवमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस मूवमेंट से क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, हमें सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इम्पैक्ट के क्वेश्चन से, जैसे तुम्हारा इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जाहिर करो, तो देखो अब तुम्हें इम्पैक्ट उसका पता होना चाहिए, जिसमें कि तुम्हें NCERT का एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि लंडन पब्लिशिंग हाउस वाले तुम्हें एग्जाम्पल दे सको, बाकी उसका पूरा जो भी लिखा जोखा है वो सब दे सको। तो मतलब हमें अच्छे से क्वेश्चंस के साथ उसको पढ़कर जब ही हमारी तैयारी कंप्लीट होगी, अदरवाइज हमारी तैयारी भी बहुत बची है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस टाइप के आने वाले हैं, ना कि तुम्हारे दिस दैट फंक्शन डिफाइन वाले, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने सर पॉलिटिकल पार्टीज के सारे फंक्शन याद कर लिए, डेफिनेशन याद कर ली, रिफॉर्म्स याद कर लिए, क्या ला सकते हैं वो याद कर लिया, तो ठीक है तुमने करा है, उससे आने के क्वेश्चन चांसेस हैं, पर जो तुम्हारा मेन बेस बनेगा ना इन क्वेश्चन से बनने वाला है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर देना है तुम्हें। अब देखो इसके लिए करना क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए जिससे हमारे सर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पक्के हो पाए, नहीं तो तुम्हें 10-12 नंबर भी छूट सकते हैं। तो देखो तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें अपना टीचर बनना है। जी हाँ, तुम टीचर हो, ठीक है, हम भी हैं और तुम भी हो। अब तुम्हें खोलनी है NCERT की प्यारी प्यारी सी किताबें, उसमें तुम्हें मिलेंगे कई सारे ऐसे स्टेटमेंट, तुम्हें लाइंस को जब तुम पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता है सर कि यहाँ पर मुझे, देखो जो ऐसे स्टेटमेंट होंगे ना, तुम उन्होंने खुद समझे होगे कि मुझे इसका मतलब समझ ही नहीं आया था अच्छे से, या इसके पीछे क्या कारण था वो NCERT में दिया ही नहीं है, हमने अपने मन से बनाया था। तो उन स्टेटमेंट को तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से चैप्टर की बात करें, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग को वो लोग बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? अगर NCERT तुमसे पूछ ली तो क्या तुम अभी बता पाओगे? ठीक है, मेरे ख्याल से शायद आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि स्टील का कंजम्पशन क्यों ज़रूरी है इंडिया की कंट्री ऑफ डेवलपमेंट में क्यों माना जाता है, तो क्या हम बता पाएंगे? कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछ ले कि बताओ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसलिए तुम्हें अपने दिमाग से क्वेश्चंस बनाने हैं वहाँ पर, और जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ उन्हें करना है, ठीक है। जो पेपर प्रोवाइड कराएं तुम्हें उन्हें करो, वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो करो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस तुम जब ही कर सकते हो जब तुम्हें स्टेटमेंट पढ़कर उनसे क्वेश्चन बनाने की सोचो। अब कोई तुमसे पूछ ले कि कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पर, तो क्या तुम बता पाओगे? एकदम नहीं बता पाओगे। फिर तुम सोचने बैठ जाओगे, सोचे बने बैठे तो टाइम लग जाना है, फिर तुम्हारी नैया डूब भी सकती है। तो देखो भाई,
इसलिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो हमें सारे ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पढ़ के जाने। अगर तुमसे एक आध रटने की चीज़ छूट भी जाती है ना, कोई टेंशन नहीं, बट अगर यहाँ को छूटा ना तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। तुम्हारा कंसेप्ट ना एकदम 200% क्लियर होना चाहिए, वो वाली कंडीशन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब एनसीईआरटी तुमसे टुडे की टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, ऐसे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 3, 4, 5 नंबर जो भी आए, ठीक है, आएगा ज़रूर। बल्कि पूरी इस पर मुझे लगता है केस स्टडी के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। बुक में बहुत छोटा सा है, लेकिन बड़े पैमाने पे पढ़ो, कोशिश करो कहीं से मिल सके तो, नहीं तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अपनी तैयारी का पैटर्न बदलो, ऐसे पढ़ो जब ही तुम्हारा काम होगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारी हेल्प इसमें कैसे कैसे कर सकता हूँ। पहली बात तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता हूँ जो इस टाइप के हो सकते हैं, विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा आज ही आज में, ठीक है। और देखो जो सैम्पल पेपर्स हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हैं, कुछ 7-8 सैम्पल पेपर हैं, तो वो हमारा है पिछली 2-3 वीडियोज़ में, उनके लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। उन वीडियोज़ पे जाओ, और कुछ वीडियो हमारी वन शॉट हैं जिसमें हमने पूरा चैप्टर समझाया 20-25 मिनट में, पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, अपना ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मनी एंड क्रेडिट, ये सब हमने समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हारी अब तैयारी कंप्लीट होगी, अब हम कह सकते हैं। बाकी देखो अभी एक और तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, 20 सैंपल पेपर आ रहे हैं इस चैनल पर, जी हाँ। तो अगर तुम इन्हें चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ हाँ अपने एक दिल की बात ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये सब है हमारा अब जो हमें करने को बचा है अभी भी, और मेरे ख्याल से जिन बच्चों का अभी भी कोई पूरा ही रह गया कि अभी तो हमने सिविक्स पढ़ी नहीं है, तो भाई उनके लिए थोड़ी यहाँ पर टेंशन वाली बात है, वो थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाओ, पहले एनसीईआरटी को 10 से ख़त्म करो, फिर इन वाले क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। मैंने इस पर भी स्ट्रेटजी पे भी वीडियो बनाई थी, तो जिन बच्चों ने वो देखी होगी उन्हें शायद पता होगा कि आज हमें क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। अब अगर तुम ये सब कर लेते हो जो ऊपर बताया गया है, तब तो तुम्हारे जाके क्वेश्चन सर कंप्लीट हो पाएंगे, या हम कहें तो तुम्हारी तैयारी हम कह सकते हैं कि हाँ कंप्लीट है, तुम्हारी अच्छी तैयारी है, 40 में से 37-38 वाली है, नहीं तो भाई कुछ नहीं कह सकते। अब देखो अगर तुम्हारी वीडियो हेल्पफुल रही हो, तुम्हें लगा हो कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, तभी इस वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी दिल में बात हो यार, देखो दिल की बात तो कहीं नहीं कह सकते, पेपर चल रहा है, दिमाग ख़राब है, तो कमेंट में कहो, कमेंट में तुम्हें बात सुनी जाएगी, और फिर उसका एक जो रिप्लाई हो सकता है वो दिया जाएगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो को देखकर मज़ा आया हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, मतलब तुम्हारे काम आई हो, सीधी सी बात है यार, देखो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस मेरे तुम्हारी एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो इसलिए हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलता है, अगर अब तुम लोग करोगे तो और अच्छा लगता है ना, तो हम और अच्छे से अपना काम कर सकते हैं यार। देखो ठीक है तुम्हारा क्या जा रहा है, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है और कुछ नहीं है ना, बट हमारे लिए उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, तो प्लीज़ उसे समझो और सब्सक्राइब करो। और मैं आप सभी के लिए प्रे करूँगा गॉड से कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए, सब 40 out of 40 स्कोर करें। तो बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर कोई डाउट्स हो कमेंट में पूछ लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।